किसान इस देश की वह बहादुर कौम है जो अंग्रेजों का छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पर के लिए मजबूर कर दिया। ये फरेबबाज हैं, झूठा हैं, इनके पास कोई देश चलाने का ढंग नहीं है। जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब की सबने देश के लिए कुछ किया है। इसने तो जो हमारी सारी संपत्ति थी, जो सरकारी संपत्ति थी, वो सारी को बेच दिया। ये किसान अपने आत्मविश्वास को आत्मविश्वास के साथ अड़ा हुआ है। यह मोदी जी की मन की बात नहीं है, यह किसानों की आत्मा की बात है। किसान मर जाएगा पर पीछे नहीं हटेगा। सबसे पहले तो मैं जो भी किसान भाई, मजदूर भाई आपके वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले नमस्कार, राम राम करना चाहता हूं। अभी ये भाजपा वाले किसानों की ताकत को समझे ही नहीं, अंधे हो गए हैं। किसान वो शख्सियत है, ये लखनऊ किन का है? लखनऊ हमारा है, किसानों का है। आपको वोट दे दी, वो ताकत दे दी वोट की, तो आप हमको घुसने नहीं देंगे? आप कौन है? ये हमारी समस्या है, 70 साल की पीड़ा है। किसान उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, किसान अपने नहीं पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और देश के किसान हम, देश के जवान हम, देश की रखवाली हम करते हैं। धमकी कैसे दे रहे हो? धमकी उनकी से हम गीदड़ नहीं है, हम गीदड़ नहीं है जो उनकी धमकी से डर जाएंगे। वो देते रहे, उन्होंने तो यहाँ भी धमकी दी थी। वो तो हमको खालिस्तानी, वो तो पाकिस्तानी, वो हमको जन कहा और कह दियो। एक बेचारी राज्यसभा में जा बैठी है कोई, वो हम तो मवाली कह रही है। तो उनको ये पता नहीं है किसान कौन है। किसान इस देश की वो बहादुर कौम है जो अंग्रेजों का छक्के छुड़ा दिए और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पर के लिए मजबूर कर दिया। तो अंग्रेज थोड़ी अपने देश के लोग हैं। तो ये अपने देश के हमको कब समझ रहे हैं? क्यों लगाई हमारे लिए दीवार? क्या हम दिल्ली नहीं जा सकते? क्यों कांटे लगाए? डरपोक हैं, ये हमसे बात ही नहीं करना चाहते। हमने किसान संसद लगा दिया है। प्रधानमंत्री पहले कहते थे मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूँ, अब हमारे किसान नेता 40 किसान नेता और वहाँ 200 किसान नेता जाते हैं, क्यों नहीं उनसे बात करते? एक हम आपकी समस्या का हल करेंगे। ये फरेबबाज हैं, झूठा हैं, इनके पास कोई देश चलाने का ढंग नहीं है। ये देश को एक चीज जानते हैं, बांटना, बांटो राज करो। हिंदू, इनके पास एक हिंदू कार्ड है, उसकी अफीम सुंघा दी, कब तक सूंघेंगे? सबको रोटी चाहिए, या हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो, और रोटी बन गया, घंटा बजाओ, रोटी क्या होगा? रोटी कहाँ से आएगी? रोटी जब आएगी जब रोजगार होगा, और रोजगार कब होगा? जब किसान खेत में कपास बोएगा, किसान खेत में अन्न बोएगा, और किसान खेत में चावल बोएगा, और किसान खेत में तंबाकू जो ये बंडल देश रहा है ये बिक रहे हैं, सब वही उत्पाद किसान करता है। और किसान खेत में चना बोएगा तो आटा वो बेसन पिसेगा, उससे जन कितना कमा खा रही है दुनिया। किसान के पीछे देश चल रहा है, ये भारत कृषि प्रधान देश है। भक्त लोग कहते हैं कि किसान फ्री में थोड़ी अनाज देते हैं, पैसा दे रहे हैं हम। पैसा से भी नहीं मिलता था यहाँ तो। जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय किसान जय जवान, कहाँ से आता था वह गेहूं जिसे सुअर नहीं खा सकते, वो हमारे देशवासियों ने खाया है। और इस देश के किसान ने आज देश के इतना उत्पादन कर दिया जो देश भी खा रहा और विदेशों को पहुँचा रहे हैं। यह किसान को समझ ही नहीं रहे किसान कौन है। ये बात इनकी जो कहते हैं किसान वो है टांट से कफन बांध के आया है, गोली खाएगा पर पीछे नहीं हटेगा, अपनी मांग लेके रहेंगे। हमारी जो पीड़ा है वो किसान को पता है और वो झेल रहा है, हम इस पीड़ा को अब क्यों सहें? दोस्तों के चुनाव नजदीक है, योगी जी कह रहे हैं कि किसानों का कोई मुद्दा नहीं है, सब चल रहा है। योगी जी पे मुद्दा है, अयोध्या में राम मंदिर का, जो देश का प्रधानमंत्री
ये धर्मनिरपेक्ष भारत था, प्रधानमंत्री सब देश का होता है, सब धर्मों का होता है, एक धर्म की नीम की आधारशिला इसलिए मंदिर की रखी क्यों? किसी मस्जिद की भी रखता जब नवीन नहीं बना रहे हो तो, किसी गुरुद्वारे की भी आधारशिला रखता। हिंदू ऐसी पार्टी है भाजपा? अरे तो हिंदू ऐसी, मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू एक आस्था का विषय है, परमात्मा एक है। अगर परमात्मा ऐसे हिंदू मुसलमान 100 होते तो लाठी बाजता जैसे ये बजवाने का काम कर रहे। परमात्मा एक है और वो एक ही एक है और सब में है। आप तो एकता की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, इस बार हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट नहीं मिलेंगी, हिंदुत्व के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे। हिंदू की जो डेथ बॉडी है वो जलाई जाती है, वो दफनाई क्यों गई, कहाँ से आई वो लाश? ये तो उसमें भी कह रहे थे ये हमारे, ये तो चीन ने फेंक दिया, ये तो जन कहाँ से आई है? तो इनको विश्वास करेगा कौन यार? ये विश्वास लाग रहे नहीं, इन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। वो तो अगर 25 साल राज करेंगे अभी, अरे तो ये पता तो पड़ जाएगी। ये तो वहाँ भी कहते थे बंगाल में एक हम 2 से प्लस लाएंगे, अब 3 से प्लस की बात कर रहे हैं। मैं रोज कहता हूँ बीजेपी में राजनाथ से बड़ा कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। इन्होंने मस्जिद गिराई, धर्म की बात तो थी, मस्जिद गिराई, 20 MLA राजनाथ सिंह जी जिता पाए। आज तो देश की इन्होंने वो हालत कर दी। और उत्तर प्रदेश की ये जिला है वो जहाँ अलाउद अल थे, कौन सा जिला है, महोबा, उसमें एक विधवा और वो बेचारी नीची छोटी जाति की औरत है, उसे ले जा करके कपड़े उतार कर बलात्कार किया गया, मिर्च का पाउडर डाल दिया। मैंने परसों अखबार में पढ़ा है। ये क्या है जो योगी जी कहते थे जंगल राज है, जंगल राज को, ये जंगल राज से भी बुरा जंगल राज है। लड़कियों के रोज अखबार पढ़े रहते, मैं तो किसी की महिला सुरक्षित है, महिला कहाँ है सुरक्षित? कौन सी महिला सुरक्षित है? अभी मैंने कल ही उसी दिन हमारे इसमें बागपत में एक महिला के लड़की के साथ 6 साल की के बलात्कार और उसे मार दिया। यहाँ जगह जगह बलात्कार करके मार और रहे दबंग, कोई हो न्याय था वो जो फांसी खाई, उन्होंने क्या सपना देखा था? एक हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहाँ गरीबी अमीरी का भेदभाव ना रहे, कोई धर्म जाति पात का भेद ना रहे, यहाँ सब समान रहे। वो समानता लाइए, ये समानता लाए बिन देश नहीं चलेगा। जिस घर में झगड़ा हो, जिसके बच्चे झगड़ा करें, वो घर तरक्की कर सकता है। जिस देश में झगड़ा हो जातिवाद धर्म के ऊपर, एक जाट है, गुजर है, ब्राह्मण है, फलाना है, बनिया है, ये देश सबका देश है। मानवता का काम करिए, मानवता के काम से ही देश बढ़ेगा। जब तक मानवता नहीं चलेगी, जब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। न्यूज चैनल वाले कह रहे हैं कि किसान इतना ही मजबूत होते तो राकेश टिकट को नहीं जिता देते। अरे जी तो किसान चुनाव नहीं लड़ता, उन्होंने लड़ लिया, मना कर रहे, चुनाव क्यों लड़े हम? हमारा काम है इनकी नाथ को पकड़ना, नकेल को, इनसे नहीं। कोई भी पार्टी हमारे साथ बदमाशी करेगी, हम उसे उसकी नाथ को पकड़ेंगे, इधर नहीं चलने देंगे। हमारा काम ये है। इससे बड़ा जो प्रधानमंत्री भी नहीं, जिसका आज इतना बड़ा सम्मान है राकेश टिकैत का, पूरी देश का आंखों का तारा बन गया है राकेश टिकैत, जो इतनी बड़ी लड़ाई किसान मजदूर की लड़ रहा है, उसे आप मामूली समझते? प्रधानमंत्री को तो गाली मिल रही है, छोटे छोटे बच्चे गाली। योगी जी कह रहे हैं मुट्ठी भर किसान, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़े। अरे योगी जी को देखिए, ये संसद में तो क्या रोया था, अब इसे वही कहा गोरखपुर गोरखनाथ के मंदिर में, चाहे तो वहाँ रहना पड़ेगा, चाहे कहीं पहाड़ पत्थरों पर जाके पड़ेगा। तो लोग कह रहे हैं कि महंत है, उनको क्या है, देश के विकास के लिए वो सब कर रहे हैं। विकास किया क्या है? ये नहीं होते होल्डिंग लग रहे कहीं, मैंने तो देखा नहीं, पर बताते हैं बच्चे दिल्ली में लगी हुई, उन्होंने दिल्ली में लगाने की क्या जरूरत थी? अरे दिल्ली में लगाने की जरूरत थी, उत्तर प्रदेश में लगाते, इनको दिल्ली में क्या दिखा रहे हैं? अरे इन्होंने कहा था दशकों से जो नहीं हो पाया वो करके दिखा, मैंने 4 साल में कर दिखलाया। क्या कर दिया? बलात्कार इन पे रुका नहीं, रोजगार इन पे दिवा नहीं, सिक्का इन्होंने कहा से हुई? आज ही कम से कम 8 चेन लुटी हैं, और यही गाजियाबाद और इनकी इसी एरिया में, मेरठ एरिया में, कहाँ से आए वो बदमाश?
कहीं पंप लूट रहा है, कहीं कुछ लूट रहा है, उत्तर प्रदेश में कहां से आ रहे हैं वो बदमाश। बहुत अच्छी बात कर रहे हो, चुनाव में फिर हिंदू मुसलमान में वोट करोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते, धर्म हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। ब्राह्मण में होगा ना, ठाकुर ब्राह्मण जो रोटी खाता है, जो खेती करता है, जो खून पसीना की कमाई खाता हुआ, इनको वोट नहीं देगा। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ, जो ईमानदार दिया था क्यों दिया, एक मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजी रोता था भाई, देश ने समझा गरीब है, गरीबों की सुनेगा भाई, मैंने चाय बेची है। अरे वो स्टेशन ही बेच के खाएगो जा, चाय बेची है पूरा सौदा। जैसे किसी घर में किसी बाप का बेटा नालायक हो जाता है और वो अपने बाप के ही आगे सारी संपत्ति को घर की बेच देता, बुड्ढा हो जाता है। इसने तो हमारे जो जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब की सबने देश के लिए कुछ किया है। इसने तो जो हमारी सारी संपत्ति थी, जो सरकारी संपत्ति थी, वो सारी को बेच दिया और हमें ये वो है कोयम्बटूर जिसमें स्टील का प्लांट था, बनारस को टोक्यो बना रहे ना वो। अरे कुछ इन पे कुछ नहीं होगा, ये डिजिटल इंडिया किससे कहते हैं, भूखे मरे उससे डिजिटल इंडिया कहते हैं। पढ़ रहे ना। अरे मोबाइल ये नहीं लाया, मोबाइल तो पहले ही आविष्कार हो गया, इसका तो एक बहाना है। और हम तो ये कहते हैं हमें मोबाइल से लेना देना नहीं, हमें सबसे पहले रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य की रक्षा चाहिए और सड़क बिजली चाहिए। हम टैक्स देते हैं पूरा भारत का नागरिक, इन्होंने क्यों नहीं पूछा मैं इसको बेच रहा हूँ, ये इसके बाप का है, मेरे बाप का है, किसके बाप का है, ये पूरे भारत का सौदा है, ये किसी एक का नहीं है, ये पूरा भारत टैक्स देता है। सबको पूछ करके, सबका मान सम्मान करके, एक हम इस चीज को भाई ऐसे करें, और क्यों बेचा, ऐसी क्या आपत्ति आ गई? कोरोना में जब कितना तेरे पास दान आया, विदेशों से आ रहा है फंड, हमसे किसानों से तो कहता है बाहर से फंडिंग आ रही है, हम घर रोटी खाते हैं वहाँ भी फंडिंग का ही है, हमारे तो जो घर रोटी भी तो आ रहे फंडिंग पाकिस्तान से, हमारी तो कह रहा हूँ। अरे जब दूध हम पे घर का, दाल घर की, आटा घर का, हमें नमक लेना पड़ता नहीं, हम मिर्च अपने घर पैदा कर लेंगे, सब्जी पैदा कर लेंगे, एक नमक की बात रही तो किसानों का सब सौदा है। ये किसान अपने आत्मविश्वास को आत्मविश्वास के साथ अड़ा हुआ है, यह मोदी जी की मन की बात नहीं है, यह किसानों की आत्मा की बात है। किसान मर जाएगा पर पीछे नहीं हटेगा, तीनों काले कानूनों को वापस करके MSP की गारंटी लेके। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। सभी अहम खबरों के लिए News MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।